अभी हो रहा है रात का टाइम, तो मैं ना यहाँ पे आइसक्रीम बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आइसक्रीम मतलब कुल्फ़ी, जो हमारी मलाई कुल्फ़ी होती है ना रबड़ी वाली, वो। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक, या तो आप कढ़ाई ले लीजिए या एक कोई चौड़ा सा पैन ले लीजिए। तो उसमें 2 कप मैंने दूध डाल दिया, और जो दूध की क्रीम थी ना वो सारी क्रीम डाल दी, और उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक उसमें उबाल आ रहा है, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर ले लिया, और उसको देखिए बारीक सा दूध डाल के और उसका ना पेस्ट बना लिया। और यहाँ दूध में भी अच्छे से उबाल आ रही है, और ये मैंने गोल्ड का दूध लिया है यहाँ पर, तो गोल्ड के दूध से अच्छी बनती है। अब इसमें चीनी डाल देंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना खाना है, और यहाँ डाल दिए थोड़े से केसर के धागे, इनसे बहुत अच्छा कलर भी आएगा, और ना हमारी कुल्फ़ी में केसर का बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, इलायची कूट के रखी थी मैंने, वो डाल दिया 1/2 चम्मच, और इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें उबाल आ रहा है बढ़िया सा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो कस्टर्ड का घोल जो हमने बना के रखा है उसको एक बार पहले चलाएँगे, फिर थोड़ा 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 करके डालेंगे, और लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि कोई गांठें ना पड़े इसमें, और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेंगे, और इस तरह से हमारी इतनी बढ़िया कुल्फ़ी बनके तैयार होती है कि आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे। तो यहाँ मेरे पास थोड़ी सी रबड़ी रखी हुई थी, तो मैं इसमें 1-1.5 चम्मच रबड़ी डाल दूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ी ज़्यादा क्रीम डाल दीजिए, या फिर 1-2 ब्रेड को लेके और उसको मिक्सी में पीस के वो भी डाल सकते हो। तो बहुत अच्छी आपकी कुल्फ़ी जो है यहाँ बनके तैयार हो जाएगी। तो बस इसमें 1-2 उबाल आने देते हैं, और फिर कर देंगे गैस को बंद, इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ ये ठंडी हो चुकी है, तो मैंने इसको अच्छे से एक बार फेंटा, और जो बादाम की कतरन है वो थोड़ी सी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और अगर आप भी और कुछ डालना चाहो तो वो डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ बादाम ही डाले हैं। और अब इसको मेरे पास ये 1 डब्बा है, 1 डब्बे में जमा दूंगी, और थोड़ी सी बची हुई 1 डिस्पोजल ग्लास लूँगी, इसमें जमा दूंगी। और अब इसके ऊपर से डालेंगे हम बादाम की कतरन अच्छे से, जो ग्लास में डिस्पोजल में जमाई है उस पर भी डाल देंगे, और इसमें 1 सिल्वर फॉइल से इसको अच्छे से पैक कर दूँगी चारों तरफ से। बस इन दोनों को पैक करूँगी, और यहाँ मेरे पास 1 डिस्पोजल चम्मच पड़ी हुई थी, तो मैंने यही लगा दी कि स्टिक का काम करेगी, जुगाड़ तो हम लोग कर ही लेते हैं ना। तो बस आइसक्रीम जम के तैयार हो जाएगी। और ये हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह मॉर्निंग में, तो ये ऑफिस जा चुके हैं, मन्नू कोचिंग जा चुका है, और इन लोगों का नाश्ता वास्ता हो चुका, और मैं अकेली हूँ घर में। 8 बज रहे थे, और लूसी देखिए उदास हो गया, जब मन्नू चला जाता है और ये चल जाते हैं ऑफिस तो ऐसे ही बैठ जाता है। तो चलते हैं किचन में। तो यहाँ किचन में दूध को चढ़ा दिया मैंने गर्म करने के लिए, और इसमें अच्छा सा उबाल आने देते हैं। और ये उबाल आ गया दूध में, मैं बनाऊँगी ये जो बारीक वाली सिमैयाँ होती हैं ना, इनकी जैसे खीर बनाते हैं उस टाइप से बनाऊँगी फालूदा के लिए। तो इनको ज़्यादा चूरा नहीं किया है मैंने, लंबी लंबी ली हैं। अब इनमें ये तो फटाफट बन जाती है, इसमें थोड़ा सा उबाल आएगा 1-2, और इसमें ऐड कर देंगे चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना मीठा आपको खाना है। और ये तो मिनटों में बनके तैयार होती है, मैंने यहाँ पे बारीक सी में ली है, आप चाहो तो जो मोटी वाली आती है वो भी ले सकते हो। तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा सा मिक्स देने के बाद इसमें ये मैंने 1 ढक्कन गुलाब जल डाल दिया, गैस को कर दिया बंद, और अब अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ये दाल लिए, ये मैंने 1-1 मुट्ठी दाल ली है 5 तरह की, जो उड़द, चना, अरहर, मसूर, मूंग, और इन सबको लेके भिगो के और रख दूंगी। और अब आटे को ले लेती हूँ, जो हम भापला बनाएंगे उसके लिए आटा लगा के यहाँ पे तैयार कर लूँगी मैं, क्योंकि वो आटे में सूजी डालेंगे तो उसको टाइम लगेगा फूलने में। तो मैंने 3 कप यहाँ पे आटा लिया है, और 1-3 कप में 1 कप मैंने सूजी लिया है, और 2 चम्मच डाला है मैंने बेसन, और ये जो हमें सामान चाहिए सारा ले लिया। अभी बता दूंगी आपको हमें क्या क्या चाहिए। तो अभी आटे में डाल देंगे नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, क्योंकि हम काला नमक भी डालेंगे तो नमक कम डालेंगे। और यहाँ मैंने अजवाइन ले ली, इसको क्रश करेंगे हाथों से और डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सौंफ, जो खाने वाली सौंफ होती है वो, और उसके बाद में इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और मोटी कुटी हुई लाल मिर्ची और बारीक मिर्ची 1/2 चम्मच दोनों डाल देंगे। और यहाँ डाल दूंगी गरम मसाला, और अब डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक, और अब डालूंगी यहाँ पर थोड़ा सा जो खाने वाला सोडा होता है ना वो,
ये थोड़ा सा है, आधा चम्मच जितना खाने वाला सोडा, तो इसको भी डाल देंगे। इससे हमारे जो भापले हैं ना अच्छे फूले फूले और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेंगे। बस अब इन सबको कर लेते हैं बहुत अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद इनको मैंने आधा कप, जिस कप से मैंने आटा और सूजी लिए वही आधा कप मैंने यहाँ घी ले लिया है थोड़ा सा उसको मेल्ट करके, तो बस वो घी डाल देंगे। आप चाहो तो इसकी जगह पे कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हो, पर घी से बहुत अच्छा मोइन लगता है इसमें। तो घी डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि आटे में मोइन अच्छे से हो जाए। और हम कैसे चेक करेंगे कि आटे में मोइन परफेक्ट है, तो ऐसे मुट्ठी बना के देखेंगे तो लड्डू बन रहा है मतलब मोइन ठीक है। तो हमारा आटा जो है इसमें मोइन एकदम परफेक्ट है। अब इसमें आधा कप दही डालेंगे, और ये खट्टा दही नहीं है, ताज़ा दही है। तो बस दही डालने के बाद अच्छे से यहाँ इसको मिक्स कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसको सॉफ्ट रोटियों जैसे रोटियों के लिए आटा लगाते हैं ना वैसा आटा लगा के इसका तैयार कर लेंगे, और इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो मैं जब तक अपना डस्टिंग का काम ख़त्म कर लूँगी, नहा लूँगी, पूजा कर लूँगी, जब तक दाल भी भीग जाएगी और आटा हमारा बहुत अच्छे से रेस्ट कर लेगा, इसको ढक के छोड़ दूँगी और अपने काम फ्री करके उसके बाद मैं मिलूँगी आप लोगों से जब बनाएंगे। तो बस आटे को रेस्ट करने देते हैं और हम भी अपना काम कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो वीडियो तो एक बार सुबह से स्टार्ट कर दिया था मैंने, और मैं दाल भिगो के और आटे को लगा के चली गई थी जिससे कि आटा अच्छे से फूल जाएगा। तो हम बना रहे हैं आज स्पेशल सी राजस्थानी भापला वाटी, जो कि बहुत टेस्टी होती है, सुपर दुपर। तो वो बनाएंगे, और उसके साथ में जो मिक्स दाल होती है ना हमारी, पांच तरह की दालों को मिक्स करके वो दाल बनाएंगे। अभी कुछ है, इतना ही नहीं और भी है। और क्या है बताती हूँ आपको, और हम बनाएंगे फालूदा, कुल्फी फालूदा, एकदम रबड़ी वाली जो मिलती है ना बाज़ार में, जिसको देखते ही मुँह में पानी आ जाता है, वो फालूदा बनाएंगे। तो चलते हैं किचन में, पहले दाल चढ़ा देते हैं अपने भापला जो बाटी होती है उसको आटा चेक कर लेते हैं, वो बना लेते हैं, और फटाफट से अपना किचन का काम करके और खाना बना के। और वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइए मत और स्किप भी मत कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी। और हम बिल्कुल बनाएंगे जो राजस्थान में बनती है ना, जो ट्रेडिशनल तरीके से, जिस तरीके से हलवाई लोग बनाते हैं, सेम उसी तरीके से बनाएंगे हम लोग। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या कर लूँगी, लहसुन और अदरक को मैंने रखा है छील के धो के साफ़ करके। तो और ये ले ली मैंने 5-6 काली मिर्ची और 4-5 लौंग और 1 इंची अदरक का टुकड़ा, उसको काट लिया, और 5-7 कलियाँ लहसुन की, इनको अच्छे से कूट लेंगे और इसी में डाल लेंगे। फिर कटी हुई एक हरी मिर्ची, उसको भी इसमें कूट लेंगे। और ये करना बहुत ज़रूरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, दाल में इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मसाला हमने कूट के रख लिया, और दाल भीग गई थी, इसको धो के अच्छे से ले लिया। अब दाल को चढ़ा देते हैं। तो यहाँ दाल में हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें बाद में एक पानी ऐड करना है, उससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो जितनी अभी ज़रूरत है दाल को गलने के लिए उतना ही पानी डाल देंगे। और बाकी एक तेज पत्ता ले लिया मैंने, एक टुकड़ा दालचीनी का ले लिया, और हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक और हींग, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। जो भी मसाला हमने कूट के रखा है वो डाल देंगे। अभी हम आधा आधा चम्मच मसाले डाल रहे हैं, क्योंकि हम तड़के में भी डालेंगे, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और बस जो अपना ये मसाला है ना, लहसुन, अदरक, काली मिर्ची, लौंग, हरी मिर्ची का, ये डालना बहुत ज़रूरी है। इससे तो आप पूछो ही मत, इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना दाल में, कि जब दाल बनेगी तो चारों तरफ उसकी खुशबू आएगी। यहाँ एक चम्मच डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि दाल ना हमारी ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगी कुकर से, नहीं तो क्या सीटी से बाहर आने लग जाती है दाल, बहुत ज़्यादा छींटे आते हैं। अब दाल को चढ़ा देंगे, इसमें सीटी आने देंगे, 2 से 3 सीटी आएंगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिर्ची के टिपोरे, तो इसमें ये मैंने पंचफोरन डाल दिए हैं। पंचफोरन में हमारा जीरा, राई और हींग और सौंफ और अजवाइन, कलौंजी, ये सब डाल दिया। और मिर्ची को मैंने ऐसे गोल गोल कट करके रख लिया, मोटी वाली मिर्ची है, जो तीखी नहीं है, होती ना कम तीखी आती है वो वाली। तो बस हल्दी डाली और मिर्ची डालेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी, जिससे मिर्ची सॉफ्ट हो जाएगी। और गैस एकदम सिम रखनी है हमें, नहीं तो मिर्ची जल जाएगी। बस 1 मिनट ढका, अब इसमें अपने बेसिक मसाले डाल देंगे। हल्दी हम डाल चुके हैं, तो लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और बस ये डाल के, और इसमें थोड़े से पानी के छींटे देंगे जिससे मसाले जले ना,
हल्के से पानी हाथ में लेके और थोड़े से पानी के छींटे देंगे, जिससे मसाले बहुत अच्छे से हमारे भुन जाएंगे। और ये इतनी टेस्टी होती है ना कि आप राजस्थान में तो ये हर चीज़ के साथ बनती है, और बस नमक ऐड कर दिया इसमें स्वाद अनुसार जितना हमें चाहिए, और एक मिनट के लिए ढक देंगे और मिर्ची के टिपोरे हमारे तैयार हो जाएंगे। और यहाँ कुकर में सीटी आ चुकी थी तो गैस को भी बंद कर दिया और आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया। तो बस आटे को अच्छे से करके और इसके भापले बना लूँगी मैं। भापले हम थोड़े से बड़े बनाएंगे, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाएंगे। और आटा देखिए कितना अच्छा सेट हुआ है ना, एकदम सॉफ्ट बढ़िया सा। तो बस गोल गोल जैसे आप बाटी बनाते हो ना उसी तरीके से बना लेने। और ये जो इसमें जो क्रैक आ रहे हैं ना, ये हमें आने देना है। ये मोइन बहुत अच्छा है ना, जब आटे में मोइन अच्छा होता है तो इस तरह से क्रैक आते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं इसको हमें बहुत ज़्यादा वो चिकना करने की, बस ऐसे ही बनाएंगे। और यहाँ कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने, और जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम अपने जो भापले बना के रखे उनको डाल देंगे। बस सबको डालने के बाद में और यहाँ मैं ढक करके इनको 5 से 10 मिनट के लिए पका लूँगी। जब भापले हमारे पक जाते हैं तो वो सारे ऊपर की तरफ आ जाते हैं, देखिए आप। तो मैं हल्का हल्का करछी से इनको पलट पलट कर दूँगी, बाकी ये खुद ही पलट जाते हैं, फूल के ऊपर आते रहते हैं। बस हल्का सा चला दिया और यहाँ हमारे भापले भी तैयार हो गए, देखिए क्या मस्त लग रहे हैं ना, एकदम से ऐसे खिल गए पूरे। तो मैं इनको निकाल के और मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, जब तक हम दाल का तड़का तैयार कर लेंगे। भापले भी हमारे ठंडे हो जाएंगे। और एक तरफ बाटी कुकर को चढ़ा दिया है मैंने गरम करने के लिए। तो यहाँ ये मैंने यहाँ घी डाल दिया था और इसमें हींग जीरा डाल दिया, घी गरम हुआ वैसे। और इसके बाद में प्याज और हरी मिर्ची को मैंने बारीक बारीक कट करके रख लिया था, वो डाल देंगे। और प्याज को हमें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक भूंज लेना है। जब प्याज में अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जब तक प्याज को अच्छे से भूनने देते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, हल्दी को भी भूंज लेंगे। और टमाटर डाल दिए इसमें, हल्का सा नमक भी डालूंगी और जो धनिया मिर्ची है ना वो भी थोड़े थोड़े डालूंगी, क्योंकि दाल में हमने उस टाइम कम डाले थे। तो यहाँ थोड़े थोड़े मसाले डाल देंगे और नमक डाल दूंगी, इससे टमाटर फटाफट से गल जाए। लेकिन नमक यहाँ बहुत थोड़ा डाला है मैंने, क्योंकि दाल में भी नमक डाला है। और अब बस ये कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे और ये हमारा तड़का हो गया तैयार बनके। और इस तरह से आप दाल ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है। दाल को मैंने बस कुकर में से इसमें मिक्स कर दी और इसमें एक उबाला आने देंगे। और इसमें सीक्रेट क्या है, सीक्रेट है जिसमें हमने भापले उबाले थे ना, तो जो भापले का पानी बचा था नीचे गाढ़ा गाढ़ा, ये देखिए इसको हम दाल में ऐड कर देंगे। और हरे धनिया डाल देंगे खूब सारा, धनिया पत्ती आप कंजूसी मत करना, इसमें खूब सारी डालना। और बस इसमें एक दो उबाले आने देंगे और फिर गैस को कर देंगे बंद, हमारी दाल बनके हो जाएगी तैयार। यहाँ भापले भी हमारे ठंडे हो चुके थे और बाटी कुकर अच्छे से गर्म हो गया था, तो बस उसमें मैं सारे रख दूँगी। और 10 मिनट लगेंगी इनको, बस 10 मिनट में इनको अलट पलट के सेक लूँगी, क्योंकि ये हमने इनको अच्छे से बॉयल किया है तो ये पक तो चुके हैं, बस खाली हमें ऊपर से इनको ना थोड़ा क्रिस्पी करना है। तो अच्छे से सिकने दूँगी। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है, मीडियम और लो दोनों करके रख देती हूँ, जैसा मुझे लग रहा है ठीक कि अभी लो करना है अभी मीडियम करना है। बस अलट पलट के देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये भापले हो गए हमारे, भापला बाटी बनके हो गई तैयार। और जो बाकी के जो कोनों में रहती हैं उनको मैं बीच में कर दूँगी पलट के, और वो भी थोड़ी देर में सिक जाएंगी। तो बस एक उसमें कटोरी में मैंने घी गर्म करके रख लिया है पहले ही, तो उसमें इनको भापले को हम क्या करेंगे, एक टिशू पेपर लेंगे क्योंकि अभी बहुत गर्म है ये। तो टिशू पेपर पे इसको हल्का सा ना ऐसे क्रश करेंगे ऐसे धीरे धीरे, तो ये भापला तो खुल जाएगा ना, तो इसके अंदर तक घी जाएगा, तो बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से इसको ना जब ये खुल जाएगा तो घी में ड्रिप करेंगे और घी इसके अंदर चला जाएगा, और इतने स्वाद बने थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक बार ना इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगते हैं। और मन्नू को तो इतने पसंद हैं कि पूछो मत। बाटी तो ठीक ठीक है, कभी कभी खा लेता है, लेकिन भापले उसके फेवरेट हैं। तो हमारे भापले हो गए तैयार, तो खाना हो गया बनके तैयार। बाटी और रायता, मिर्ची के टिपोरे, दाल सब बना के तैयार कर ली।
और जो रात को मैंने कुल्फी बना के रखी थी उसको देख लेते हैं फ्रीज में सेट हुई कि नहीं, फिर हम बनाएंगे फालूदा। पहले कुल्फी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी कुल्फी भी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब ये जो सीमई मैंने सुबह बना के रखी थी, जो दूध में बनाई थी, उनको मैंने फ्रीज में रख दिया था सुबह ही, तो वो भी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई, एकदम चिल्ड हो गई। तो यहाँ एक ग्लास ले लिया मैंने। अब हम अपनी फालूदा तैयार कर लेते हैं बना के, और उसमें थोड़ा सा जो भी अपने पास रोज़ वाला कोई भी शरबत है या रूह अफ़ज़ा है वो ग्लास में चारों तरफ डाल देंगे। और अब इसमें मैं जो सीमई बना के रखी है वो डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच, और थोड़ा सा बीच में बस रूह अफ़ज़ा डाल देंगे, जिससे बीच बीच में ना इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जो हमने ये मलाई कुल्फ़ी बना के रखी है ना फालूदा में, इससे तो पूछो मत जो टेस्ट आने वाला है ना, कि बस एक बार खाओगे तो आप लोग खाती रह जाओगे, बहुत टेस्टी कुल्फ़ी बनी थी ये। तो बस वो डाल दी, उसके ऊपर से रूह अफ़ज़ा डाल दिया, और थोड़ी सी टूटी फूटी लेके या चेरी वेरी जो भी आपके पास कुछ भी है ये लेके हल्का सा ऊपर से डाल देंगे, और बस ये थाली हो गई हमारी लग के यहाँ पर तैयार। तो इस पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा देसी घी भापले के ऊपर। देसी घी के बिना तो बाटी भापले इनका मज़ा ही नहीं है ना। और यहाँ ये मिर्ची के टिपोरे, दाल और बूंदी का रायता और धनिया की चटनी और फालूदा। और अभी रुकी है, अभी तो कुल्फ़ी भी तो है, कुल्फ़ी भी तो बनाई है हमने, तो कुल्फ़ी भी तो खाएंगे ना खाने के साथ में। तो कैसी लग रही है हमारी थाली, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये देखिए कुल्फ़ी, आपको देखने से ही पता लग रहा हो कितनी क्रीमी और मलाईदार बनी है ना, इस तरह से आप ज़रूर बना के देखना, और सबको बहुत पसंद आएगी। तो आपको भापले दिखाती हूँ अंदर से कितने सॉफ्ट बने, देखिए। एकदम इतने मज़ेदार बने हैं ना अंदर से, खिले खिले और सॉफ्ट, और खा के मज़े आ जाने वाला है। और ये मिर्ची के टिकोरे देखिए, इसके बिना तो भापला बाटी जो है ना हमारी अधूरी है। तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। खाना हो गया फ्रेंड, और गर्मी के मारे हो रही है हालत ख़राब, किचन में पसीने पसीने हो गए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और भापला बाटी इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं क्या बताऊँ, सुपर। एक बार इस तरह से आप लोग ट्राई करके देखना, और आपको बहुत पसंद आएगी। जो लोग नहीं खाते ना उनको भी पसंद आएगी, बहुत ही अच्छी बनी थी। ऊपर से ना क्रिस्पी करारी करारी सी, और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो इस तरह से जो मैंने नाप बताया उसी नाप से एक बार बना के ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट्स करना कैसी बनी। तो बस खाना वाना सारा हो गया, खा लिया, और फालूदा भी बहुत टेस्टी बनी है, और कुल्फ़ी भी बहुत कम टाइम में इतनी अच्छी कुल्फ़ी बन जाती है। तो आप जब चाहें जब बना सकते हो। तो मैंने कुल्फ़ी रात को बना के फ्रिज में रख दी थी, और जो वो सीमैयाँ बनाई थी वो सुबह बना दी थी जल्दी, तो उनको भी फ्रिज में एकदम ठंडा कर दिया, एकदम चिल्ड हो गई थी। तो मज़ेदार फालूदा भी बन गई, खाना भी हो गया, और मन्नू को बहुत पसंद आ गया, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया आप लोगों को तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।